हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आपको फिर एक और रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। कोल्ड समर ड्रिंक है ये, बहुत ही इंस्टेंटली बन जाएगी और पीने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होने वाली है। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देती हूँ। और ये मैंने लिया है 10 रुपये का पैकेट जेन्युइन चॉकलेट फ्लेवर में। तो आइए, और इसके पीछे जो पैक पे लिखा हुआ है कि यूज़ विद मिल्क डेली, तो आप इसे रोज़ यूज़ कर सकते हो दूध के साथ। और इसकी रेट लिखी हुई है यहाँ पे 10 रुपये, और इसकी क्वांटिटी है 32 ग्राम। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, बच्चे भी इसे बना लेंगे। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे मिक्सी जार। अगर आप मिक्सी जार नहीं लेना चाहते हो तो आप नॉर्मली किसी बाउल में ले सकते हो इसको। बट मिक्सी में क्या है, हम इसे डाल के और थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे तो इसमें झाग बन जाएंगे, तो वो झागदार जो पीने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने डाल दिया है यहाँ पे 1 गिलास दूध। अगर आपको 2-3 गिलास बनाना है तो आपको 2-3 पैकेट लेने होंगे। जितने गिलास बनाना है उतने आपको पैकेट यूज़ करने हैं। यहाँ पे मैं 1 गिलास बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास ले लिया है। और 1 गिलास लेने के बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ का जो हमने पैकेट लिया था वो इसमें डाल देंगे। और फ्रेंड याद रखिएगा, हमने जो यहाँ पे चिल्ड दूध लिया था और इसमें डाल दिया मैंने शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप मीठा भी डाल सकते हो। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शुगर डाल दी थी, अब हम डालेंगे सिरप, जो हर्शीज का चॉकलेट सिरप है वो डाल देते हैं हम यहाँ पे। और इसको मैंने कट कर लिया है। ये यहाँ पे देखिए, ये निशान है ना, आपको यहाँ से कट करना है, इस पे निशान दिया हुआ है। और ये जो बोतल का दिख रहा है यहाँ पे, ये बोतल का है आकार जितने में ही ये चॉकलेट सिरप निकलता है। तो देखिए, मैंने डाल दिया है इसमें। और चॉकलेट सिरप डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए ग्राइंड करेंगे। बस ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा उससे, और जो ये मिल्क है इसमें अच्छे से झाग आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ हमें कुछ ही सेकंड के लिए करना था और मैंने कर लिया है ग्राइंड। अब हम इसे ग्लास में डालेंगे और आप देख सकते हो इसमें झाग ही झाग भी आ रहे हैं, और ये झाग से बहुत ही टेस्टी लगती है। और हम क्या करेंगे, मैंने थोड़ा सा सिर्फ इसमें बचा के रखा था डेकोरेशन के लिए, तो अभी हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। तो आडी टेढ़ी जो भी आपको डेकोरेशन आती है आप वो कर सकते हो, बिकॉज मुझे तो कोई ऐसा डेकोरेशन नहीं आता था। तो मैंने जैसे मेरा हाथ चला मैंने वैसे कर दिया, आप देख सकते हो जैसे वीडियो में। तो मैंने इसमें निकाल निकाल के जैसा मुझसे बन रहा था मैंने कर दिया। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।